हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल फ्री ऑनलाइन टीचिंग मन में। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम कक्षा छठवीं प्रतिभा पर्व पेपर के लिए विषय गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान का मॉडल पेपर देखने वाले हैं। क्योंकि स्टूडेंट, जो आपके प्रतिभा पर्व के पेपर हैं वह आपके 17 जनवरी से होने वाले हैं, इसलिए इसमें दिए गए सभी प्रश्नों को आपको अभी से अच्छे से तैयार कर लेना है। और इससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी दबाइए ताकि कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम खंड आ अर्थात गणित विषय के सभी प्रश्नों का हल सहित सॉल्यूशन के साथ देखने वाले हैं, तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है, इस प्रकार से आपको तीन संख्याएं दी गई हैं, इनमें सबसे छोटी संख्या क्या है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनमें सबसे छोटी संख्या 691 है। तो यहाँ पर पहले क्वेश्चन का आंसर 691 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर दूसरा प्रश्न है, एक बाल्टी की कीमत 215 रुपये है, ऐसी 6 बाल्टियों की कीमत बताइए। तो यहाँ पर यदि हम 6 का गुणन 215 से करें तो यहाँ पर 6 बाल्टियों की कीमत ज्ञात हो जाएगी। तो यहाँ पर सबसे पहले हम 215 लिखेंगे और यहाँ पर हम 6 का गुणा करेंगे। तो यहाँ पर 6 का गुणा सबसे पहले 5 से होगा, तो यहाँ पर 30 का 0 आ जाएगा, हासिल 3 आ जाएंगी। 6 का गुणा 1 से होगा, तो यहाँ पर 6 एकम 6 और 3 हासिल की 9 हो जाएंगे। इसके बाद 6 का गुणा 2 से होगा, तो यहाँ पर 6 दूनी 12 हो जाएंगे। तो इस प्रकार से 1290, यहाँ पर 6 बाल्टियों की कीमत कितनी होगी? 1290 रुपये होगी, यह आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद यहाँ पर प्रश्नांक 3 है, पैटर्न को समझकर आगे बढ़ाइए। तो यहाँ पर इस प्रकार से आपको पैटर्न दिया गया है, 2A 4B 6C। तो यहाँ पर 6 के बाद संख्या कौन सी आएगी? 8 आएगी, और C के बाद यहाँ पर D आएगा, और D के बाद यहाँ पर जो संख्या आती है यहाँ पर 8 के बाद 10 आएगा। तो इस प्रकार से पैटर्न हो जाएगा 8D और यहाँ पर 10 आ जाएगा, यही आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद प्रश्नांक 4 है, संख्या को तोड़कर लिखिए। तो यहाँ पर पहली संख्या दी गई है 2173, तो यहाँ पर इस प्रकार से आप तोड़कर लिख सकते हैं, 2000 को आप इस प्रकार से अलग से लिख दें, और यहाँ पर 100 को हम इस प्रकार से अलग से लिखेंगे, और यहाँ पर 70 को हम अलग लिखेंगे और 3 को अलग लिखेंगे। तो इस प्रकार से हम 2173 को इस प्रकार से तोड़कर लिख सकते हैं। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर दूसरी संख्या दी गई है 9571, तो यहाँ पर हम 9000 को अलग से लिखेंगे इस प्रकार से, 500 को हम अलग लिखेंगे, और यहाँ पर 70 को हम अलग लिखेंगे और 1 को हम अलग से लिखेंगे। तो इस प्रकार से 9571 को हम इस प्रकार से तोड़कर लिख सकते हैं। इस प्रकार से आपको आसानी से तोड़कर लिख देना है, यह आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर प्रश्नांक 5 है, किसी गांव में महिलाओं की संख्या 1486, पुरुषों की संख्या 1504 और बच्चों की संख्या 823 है, तो गांव की कुल जनसंख्या कितनी है? तो यहाँ पर यदि हम महिलाओं की संख्या, पुरुषों की संख्या और बच्चों की संख्या को जोड़ दें तो हम आसानी से गांव की कुल जनसंख्या को ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर महिलाओं की संख्या कितनी दी गई है? 1486 दी गई है, तो यहाँ पर हम 1486 लिखेंगे। इसके बाद यहाँ पर पुरुषों की संख्या 1504 दी गई है, तो यहाँ पर हम 1504 लिखेंगे। इसके बाद यहाँ पर जो बच्चों की संख्या दी गई है 823 दी गई है, तो यहाँ पर हम 823 लिखेंगे। इसके बाद यहाँ पर हम जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे? 6 और 4 10 हो जाएंगे, और 3 13, 13 की यहाँ पर 3 आ जाएगा, हासिल 1 आ जाएगी। यहाँ पर 8 और 2 10 हो जाएंगे, और 1 हासिल की 11, 11 की यहाँ पर 1 आ जाएगा, हासिल 1 आ जाएगी। इसके बाद 4 और 5 9 9 8 17 और 1 हासिल की 18, तो 18 के यहाँ पर 8 आ जाएंगे, हासिल 1 आ जाएगी, 1 और 1 2 और 1 हासिल की 3 आ जाएगा। तो इस प्रकार से गांव की कुल जनसंख्या कितनी होगी? 3813 यहाँ पर कुल जनसंख्या होगी।
तो इस प्रकार से आपका ये राइट आंसर होगा। इसके बाद यहाँ पर प्रश्नांक 6 है, आकृति देखकर भिन्न बताओ। तो यहाँ पर आपको आकृति देखकर यहाँ पर इनमें से आपको भिन्न बताना है। तो जब भी इस प्रकार से आपको आकृति दी जाए और आपसे भिन्न पूछा जाए, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुल भाग को हम नीचे लिखते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके कितने भाग हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो कुल भाग यहाँ पर 8 हैं, तो 8 को हम नीचे लिखेंगे और यहाँ पर जितने भाग छायांकित होते हैं उनको हम ऊपर लिखते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं केवल एक ही भाग छायांकित है, तो हम इसको ऊपर लिखेंगे। तो इस प्रकार से इसको हम भिन्न के रूप में इस प्रकार से लिख सकते हैं, 1/8, जो कि आपको ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद यहाँ पर प्रश्नांक 7 है, भिन्न संख्या 1/2 को दशमलव रूप में लिखिए। तो जब भी आपको इस प्रकार से भिन्न संख्या दी जाए और आपसे कहा जाए कि दशमलव रूप में लिखिए, तो आपको क्या करना है कि नीचे की संख्या का भाग ऊपर करना है, अर्थात यहाँ पर नीचे की संख्या 2 है तो 2 का भाग हम 1 में करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 एक बड़ी संख्या है और यहाँ पर एक छोटी संख्या है, तो 2 का भाग तो 1 में जाता नहीं है, तो यहाँ पर हम 0 लगाएंगे और दशमलव लगाएंगे। तो यहाँ पर जब भी दशमलव लगाते हैं तो यहाँ पर 1 0 यहाँ पर हम लगा सकते हैं। अब 2 का भाग हम 10 में करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा, तो 2 × 5 = 10 हो जाएंगे। तो इस प्रकार से 1/2 आपको जो भिन्न दिया गया है इसका जो दशमलव रूप होगा 0.5 होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद प्रश्नांक 8 है, 121 मीटर को सेंटीमीटर में बदलिए। तो जब भी हम मीटर को सेंटीमीटर में बदलते हैं तो हम 100 से गुणा करते हैं। तो यहाँ पर 121 मीटर है, यदि हम इसको सेंटीमीटर में बदलें तो हम 100 से गुणा करेंगे। तो जैसे ही हम 100 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर 2 0 और आ जाएंगे, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 12,100 हो जाएगा। अर्थात यहाँ पर यदि हम इसको सेंटीमीटर में बदलें तो कितना हो जाएगा इसका आंसर, 12,100 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्नांक 9, आशा के पास 287 रुपये तथा प्रिया के पास 399 रुपये हैं, आशा के पास प्रिया से कितने रुपये कम हैं। तो यहाँ पर यदि हम 399 में से 287 रुपये को माइनस कर दें तो यहाँ पर आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने 399 को लिखा और यहाँ पर हम 287 को माइनस करेंगे, तो यहाँ पर 9 में से यदि हम 7 को माइनस करें तो यहाँ पर 2 बचेंगे, यहाँ पर 9 में से 8 को घटाएंगे तो 1 बचेगा और 3 में से 2 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर 1 बचेगा। तो यहाँ पर 112 रुपये आपका राइट आंसर होगा। अतः आप आंसर में लिख सकते हैं कि अतः आशा के पास प्रिया से 112 रुपये कम हैं। तो यहाँ पर 9वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 112 रुपये हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्नांक 10, 3/5 की 4 तुल्य भिन्न लिखो। तो यहाँ पर 3/5 की 4 तुल्य भिन्न कौन कौन सी हो जाएंगी, यहाँ पर 6/10 होगी, इसके बाद यहाँ पर 9/15, 12/20 और यहाँ पर 15/25। तो इस प्रकार से यहाँ पर 3/5 की 4 तुल्य भिन्न हो जाएंगी, इनको आप अच्छे से नोट कर लें। इसके बाद यहाँ पर प्रश्नांक 11 है, सेंटीमीटर मिलीमीटर तथा मीटर में सबसे छोटी इकाई है। तो यहाँ पर इनमें से जो सबसे छोटी इकाई होती है, मिलीमीटर सबसे छोटी इकाई होती है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, चार्ट देखकर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर प्रश्नांक 12 है, 1 जून को कौन सा शहर सबसे गर्म है। तो यहाँ पर जैसलमेर नामक शहर 1 जून को सबसे गर्म शहर है। इसके बाद प्रश्नांक 13 है, 1 जून को कौन सा शहर सबसे ठंडा है। तो यहाँ पर शिमला शहर 1 जून को सबसे ठंडा शहर है। इसके बाद प्रश्नांक 14 है, यहाँ पर टैली चिन्ह द्वारा दर्शाइए। तो यहाँ पर पहली संख्या आपको यहाँ पर 18 दी गई है, यदि इनको हम टैली चिन्ह के द्वारा दर्शाएँ तो यहाँ पर आपको 18 संख्या दी गई है। तो इसको हम इस प्रकार से दर्शाएंगे, 1, 2, 3, 4 और यहाँ पर यदि हम 5 को दर्शाएंगे तो इस प्रकार से हम लाइन खींचेंगे। अब 5 के बाद यहाँ पर 6, 7, 8, 9 और इसके बाद यहाँ पर लाइन खींचेंगे, 10 हो जाएंगे।
इसके बाद 11, 12, 13, 14 और इस प्रकार से हम लाइन खींचेंगे तो 15 हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें संख्या 18 को टैली चिन्ह द्वारा दर्शाना है। इसके बाद 16, 17 और इसके बाद यहाँ पर 18 हो जाएगी। तो इस प्रकार से आप आसानी से इन टैली चिन्ह के द्वारा किसी भी संख्या को दर्शा सकते हैं। इसके बाद दूसरी संख्या यहाँ पर 26 दी गई है, तो इसी प्रकार से यहाँ पर हम टैली चिन्ह के द्वारा दर्शाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने 5 लिखा, 5 के बाद 6, 7, 8, 9 इस प्रकार से लाइन खींचेंगे तो 10 हो जाएंगे। फिर 11, 12, 13, 14, 15 हो जाएंगे, 16, 17, 18, 19 और यहाँ पर 20 हो जाएंगे। इसके बाद इसी प्रकार से हम और यहाँ पर खींचेंगे तो यहाँ पर 25 हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें 26 को दर्शाना है। तो यहाँ पर एक लाइन को हम इस प्रकार से खींचेंगे तो 26 को हम इस प्रकार से टैली चिन्ह के रूप में लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्नांक 15, एक थैले में 2 किलोग्राम 513 ग्राम आम थे। मैंने 1 किलोग्राम आम, 26 ग्राम आम निकाल लिए, अब थैले में कितने किलोग्राम आम बचे। तो यहाँ पर यदि हम 2 किलो में से 1 किलो को माइनस कर दें तो यहाँ पर 1 किलोग्राम बचेगा। इसके बाद यहाँ पर हम ग्राम में से ग्राम को घटाएंगे, तो यहाँ पर यदि हम 513 ग्राम में से 26 ग्राम आम को माइनस कर दें तो यहाँ पर कितना बचेगा, 427 यहाँ पर ग्राम बचेगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर थैले में कितने किलोग्राम आम बचे, यहाँ पर 1 किलो 427 ग्राम आम बचे। तो इस प्रकार से आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद प्रश्नांक 16 है, यदि 3 गिलास पानी से 1 जग भर जाता है तथा 14 जग पानी से 1 बाल्टी भर जाती है, तो बताओ बाल्टी की धारिता कितने गिलास के बराबर है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 14 जग में 1 बाल्टी भर जाती है, तो यहाँ पर 14 जग में कितने गिलास पानी होगा। तो यहाँ पर यदि हम 14 का गुणा 3 में करें तो कितने गिलास पानी हो जाएगा, 42 गिलास पानी होगा, अर्थात बाल्टी की जो धारिता होगी 42 गिलास के बराबर होगी। यही आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद प्रश्नांक 17 है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या एवं सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। तो आपको ध्यान रखना है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या यहाँ पर 0 होती है और सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या यहाँ पर 1 होती है। यह आपका राइट आंसर होगा। तो इस प्रकार से सभी प्रश्नों को आपको अभी से अच्छे से तैयार कर लेना है और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है ताकि सभी को इसका बेनिफिट हो सके। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्नांक 18, निम्न संख्या के प्रथम 5 गुणज लिखो। यहाँ पर आपको 2 संख्या दी गई हैं, संख्या 8 और संख्या 9। तो यहाँ पर यदि हम संख्या 8 के प्रथम 5 गुणज लिखें तो यहाँ पर 8, 16, 24, 32 और यहाँ पर 40, यह 5 गुणज हो जाएंगे। इसी प्रकार से हम संख्या 9 के प्रथम 5 गुणज लिखेंगे तो यहाँ पर 9, 18, 27 और यहाँ पर 36 और यहाँ पर 45। तो इस प्रकार से संख्या 9 और संख्या 8 के प्रथम 5 गुणज हो जाएंगे। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, प्रश्नांक 19, एक समकोण होता है, तो जो एक समकोण होता है वह 1/4 घूर्णन के बराबर होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद प्रश्नांक 20 है, योग ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आपको 2 संख्याएं दी गई हैं, पहली संख्या -7 दी गई है प्लस का चिन्ह और दूसरी संख्या +8 दी गई है, तो यहाँ पर प्लस चिन्ह आएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्लस के 8 हैं, माइनस के 7 हैं। तो यहाँ पर यदि हम 8 में से 7 को माइनस कर दें तो यहाँ पर क्या बचेगा, 1 बचेगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपके गणित विषय के सभी प्रश्नों के आंसर हो जाएंगे। इनको आपको अभी से अच्छे से तैयार कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर हम खंड व अर्थात विज्ञान विषय के सभी प्रश्नों के आंसर देखने वाले हैं, तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। तो यहाँ पर प्रश्नांक 1 है, सही विकल्प चुनिए। पहला प्रश्न है, मानव में पाए जाने वाले संवेदी इंद्रियों की कुल संख्या कितनी है। तो यहाँ पर कुल संख्या यहाँ पर कितनी है, 5 है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, जल में घुलनशील पदार्थ है, तो यहाँ पर नींबू का रस जो है जल में घुलनशील पदार्थ है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर तीसरा प्रश्न,
गाय, हाथी, बंदर निम्न में किस प्रकार के जंतु हैं? तो यहाँ पर जो गाय, हाथी, बंदर हैं यह शाकाहारी जंतु हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्नांक 4, किसी वस्तु द्वारा किसी तल पर जो स्थान घेरा जाता है वह वस्तु का क्या कहलाता है? तो वह क्या कहलाता है? परिमाप कहलाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद यहाँ पर प्रश्नांक 5 है, निम्न में से किस आकृति का क्षेत्रफल सबसे कम होगा? तो यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, अर्थात यहाँ पर जो आपको लास्ट में आकृति दी गई है इसका क्षेत्रफल सबसे कम होगा। इसके बाद यहाँ पर प्रश्नांक 2 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला खाली स्थान है, चीलबाज में पाए जाने वाले विशिष्ट संवेदी अंग खाली स्थान है। तो यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर इसमें दृष्टि पाई जाती है। तो यहाँ पर पहले खाली स्थान का आंसर क्या हो जाएगा? दृष्टि इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद यहाँ पर दूसरा खाली स्थान है, लौंग, इलायची, धनिया मिर्च का उपयोग भोजन में खालिस्तान रूप में किया जाता है। तो यहाँ पर मसाले के रूप में किया जाता है। तो दूसरे खालिस्तान का आंसर क्या हो जाएगा? मसाले के रूप में। इसके बाद यहाँ पर तीसरा खालिस्तान है, आंकड़ों का वृत्तीय रूप में प्रदर्शन खालिस्तान कहलाता है। तो क्या कहलाता है? यहाँ पर पाई चार्ट कहलाता है। तो तीसरे खालिस्तान का आंसर पाई चार्ट हो जाएगा। इसके बाद चौथा खालिस्तान है, वे वस्तुएं जो पानी में आसानी से नहीं घुलती हैं खालिस्तान वस्तुएं कहलाती हैं। तो कौन सी वस्तुएं कहलाती हैं? अघुलनशील वस्तुएं कहलाती हैं। तो यहाँ पर चौथे खालिस्तान का आंसर क्या हो जाएगा? अघुलनशील वस्तुएं। इसके बाद नेक्स्ट खालिस्तान है, किसी वस्तु द्वारा एक निश्चित समय में स्थान परिवर्तन को वस्तु की कहते हैं। तो यहाँ पर इसके आंसर को आपको स्वयं ही देख लेना है। इसके बाद यहाँ पर प्रश्नांक 3 है, सही जोड़ियाँ बनाइए। एक तरफ आपको यहाँ पर संवेदी इंद्रियाँ दी गई हैं, दूसरी तरफ आपको कार्य दिए गए हैं। तो यहाँ पर आपको इनकी सही जोड़ियाँ बनाना है। तो यहाँ पर पहला दिया गया है त्वचा। तो इसका जो राइट आंसर होगा यहाँ पर इसका आंसर स्पर्श हो जाएगा। इसके बाद जीभ, तो दूसरे का आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर स्वाद हो जाएगा। इसके बाद तीसरा शब्द दिया गया है नाक, तो नाक यहाँ पर क्या? गंध हो जाएगा इसका आंसर। इसके बाद चौथा है कान, तो कान क्या करता है? श्रवण करता है, अर्थात सुनता है। इसके बाद आँख है, लास्ट शब्द दिया गया आँख है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दृष्टि हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपकी ये सही जोड़ियाँ हो जाएंगी, इनको आप अभी से अच्छे से तैयार कर लें। इसके बाद यहाँ पर प्रश्नांक 4 है, सुरेश द्वारा परीक्षा में प्राप्त अंकों के दंड आलेख का चित्र देखकर प्रश्नों के उत्तर दो। तो यहाँ पर आपको कुछ प्रश्न दिए गए हैं। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है, कुल कितने विषयों की सुरेश ने परीक्षा दी? तो यहाँ पर सुरेश ने जो है 6 विषयों की परीक्षा दी। तो यहाँ पर पहले क्वेश्चंस का आंसर 6 हो जाएगा। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, सुरेश को सबसे ज़्यादा अंक किस विषय में मिले? तो यहाँ पर सुरेश को हिंदी विषय में जो है सबसे अधिक अंक मिले। इसके बाद तीसरा प्रश्न है, सुरेश को सबसे कम अंक किस विषय में मिले? तो यहाँ पर संस्कृत विषय में जो है सुरेश को सबसे कम अंक मिले। इसके बाद यहाँ पर चौथा प्रश्न है, सुरेश को विज्ञान विषय में कितने अंक मिले? तो यहाँ पर सुरेश को विज्ञान विषय में 70 अंक मिले। इसके बाद पांचवा प्रश्न है, हिंदी विषय में सुरेश को कितने अंक प्राप्त हुए? तो यहाँ पर 95 अंक प्राप्त हुए। तो इस प्रकार से आपके सभी प्रश्नों के आंसर हो जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर हम खंड सा अर्थात सामाजिक विज्ञान के सभी प्रश्नों के आंसर देखने वाले हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, मानचित्र में ऊपर दाहिनी तरफ तीर का निशान बना होता है, यह तीर का निशान किस दिशा को दर्शाता है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए अर्थात पूर्व दिशा को दर्शाता है। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, स्थानीय सरकार के अंतर्गत बड़े शहरों में होती है। तो यहाँ पर बड़े शहरों में क्या होती है? नगर निगम होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद यहाँ पर तीसरा प्रश्न है, ऊर्जा का अनवीनीकृत साधन है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा ए नंबर का ऑप्शन, अर्थात कोयला जो है ऊर्जा का अनवीनीकृत साधन है। इसके बाद यहाँ पर प्रश्नांक 4 है, किसी भी मानचित्र पर भवनों, सड़कों, पुलों,
रेल की पटरियों आदि को दर्शाते हैं। तो यहाँ पर आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, इसका जो राइट आंसर होगा सी नंबर का ऑप्शन, इसका राइट आंसर होगा प्रतीक चिन्हों से। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्नांक दो, सही जोड़ियाँ बनाइए। तो यहाँ पर आपको संस्था दी गई हैं और इनके कार्य दिए गए हैं, तो यहाँ पर आपको इनकी सही जोड़ियाँ बनाना है। तो पहला है बैंक, तो बैंक क्या करता है, धन का लेन देन करना। इसके बाद दूसरा है विद्यालय, तो विद्यालय क्या करता है, शिक्षा देना। इसके बाद तीसरा है ग्राम पंचायत, तो ग्राम पंचायत जॉब कार्ड बनाना। चौथा है यहाँ पर पुलिस थाना, तो इसका जो आंसर होगा कानून का पालन कराना। इसके बाद यहाँ पर प्रश्नांक तीन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। पहला खाली स्थान है, वन खाली स्थान के कटाव को रोकते हैं, तो जो वन है वह भूमि के कटाव को रोकते हैं। तो यहाँ पर पहले खाली स्थान का आंसर क्या हो जाएगा, भूमि हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर दूसरा खाली स्थान है, विद्युत ऊर्जा से चलने वाले वाहनों को खालिस्तान कहते हैं, तो क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक वाहन कहते हैं। तो आपको आंसर में क्या लिख देना है, इलेक्ट्रिक वाहन इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद तीसरा खालिस्तान है, यहाँ पर पुलिस का मुख्य कार्य खालिस्तान बनाए रखना है, तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा, पुलिस का मुख्य कार्य क्या होता है, कानून व्यवस्था को बनाए रखना। तो यहाँ पर तीसरे खालिस्तान का आंसर क्या हो जाएगा, कानून व्यवस्था। इसके बाद नेक्स्ट खालिस्तान है यहाँ पर चौथा खालिस्तान, मानचित्र में दूरी के वास्तविक आंकलन के लिए खालिस्तान का उपयोग किया जाता है, तो किसका उपयोग किया जाता है, पैमाने का उपयोग किया जाता है। इसके बाद यहाँ पर प्रश्नांक चार है, अति लघुत्तरीय प्रश्न, तो यहाँ पर आपको कुल चार अति लघुत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं। यहाँ पर इन सभी के आंसर हम एक साथ देखने वाले हैं। तो इस प्रकार से आपके प्रश्नांक चार के सभी प्रश्नों के आंसर हो जाएंगे। पहले प्रश्न का आंसर होगा ग्राम पंचायत निम्नलिखित कार्य करती है, तो इस प्रकार से आपको ग्राम पंचायत के कार्यों को लिख देना है। इसके बाद दूसरे प्रश्न का जो आंसर होगा, औषधि, लकड़ी, गोंद आदि। इसके बाद तीसरे प्रश्न का आंसर होगा जैव ईंधन। इसके बाद चौथे प्रश्न का आंसर होगा जीविका की सभी वस्तुएं मिलती हैं, तो इस प्रकार से आपके प्रश्नांक चार के सभी प्रश्नों के आंसर हो जाएंगे। इनको आप अच्छे से नोट कर लें। इसके बाद यहाँ पर प्रश्नांक पाँच है, चित्र देखकर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो यहाँ पर आपको इस प्रकार से चित्र दिए गए हैं, इन चित्रों को देखकर आपको नीचे दिए गए प्रश्नों के आंसर बताना है। तो इन सभी प्रश्नों के आंसर हम एक साथ देखने वाले हैं, तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। तो इस प्रकार से आपके प्रश्नांक पाँच के सभी प्रश्नों के आंसर हो जाएंगे। यहाँ पर पहले प्रश्न का आंसर तीन होगा, दूसरे प्रश्न का आंसर दक्षिण दिशा होगा, इसके बाद तीसरे प्रश्न का आंसर दक्षिण होगा, इसके बाद चौथे प्रश्न के का नंबर के प्रश्न में यहाँ पर जो आपको संकेत चिन्ह बनाना है रेलवे लाइन का, यहाँ पर संकेत चिन्ह इस प्रकार से होगा। इसके बाद नदी का जो संकेत चिन्ह होगा इस प्रकार से आपको बना लेना है। और यहाँ पर गा नंबर में जो कच्ची व पक्की सड़क का संकेत चिन्ह पूछा गया है, यहाँ पर कच्ची सड़क का संकेत चिन्ह इस प्रकार से होता है और पक्की सड़क का संकेत चिन्ह इस प्रकार से होता है। इसके बाद यहाँ पर घ नंबर के प्रश्न का आंसर हो जाएगा, यहाँ पर मंदिर व छतरी का यहाँ पर संकेत चिन्ह हो जाएगा। तो इस प्रकार से सभी प्रश्नों को आपको अभी से अच्छे से तैयार कर लेना है। इसी तरह आपको नेक्स्ट वीडियो में हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत के मॉडल पेपर चैनल के माध्यम से प्रोवाइड किए जाएंगे, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी दबाइए ताकि कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।